दोस्तों, पोको में जी के एम 7 कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और क्या क्या इसमें फ़ीचर्स है वो सारे मैं डिस्कस करूँगा इसमें। तो एपीके का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली, उसको इंस्टॉल कर लो, वो गूगल ड्राइव से होगा। और ऐसे करके इंस्टॉल करने के बाद ये सारा अलाउ कर दो इसमें जा करके। तो दोस्तों, जी के एम 7 कम्प्लीटली चेंज है अपने पुराने वर्जन से या 6 से। इसमें बहुत सारे ऑप्शन नए नए ऐड किया गया है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, कैमरा का रिजोल्यूशन सेट कर सकते हो, इसमें 1080 लेंस वार्निंग, HDR प्लस कंट्रोल जैसे कुछ सेटिंग है, और इनेबल गूगल फोटोज़ को इनेबल कर देना पड़ेगा क्योंकि गूगल फोटोज़ को अपडेट करना करके रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन उसमें एडिटिंग के मिल जाएंगे। इंटरफेस डार्क लाइट ये सब कर सकते हो कंट्रोल अपने से, और ये HDR क्वालिटी 3:5 जैसा है वैसा ही रहने दो, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना। और इसमें सबसे लास्ट में मिल जाएगा ऑस्ट्रो फोटोग्राफी मोड, इसको ऑन कर लेना, ऑन ही आएगा या ऑन कर लेना। इसमें फुल HD पे 30 और 60 FPS का ही ऑप्शन मिलेगा, 4K में सिर्फ 30 FPS का मिलेगा, और फ्रंट वाले में सारा कुछ ऑप्शन है 4K छोड़ करके। बिटरेट सेट कर सकते हो खुद से, वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन है ऑफ है ये कर सकते हो, लेकिन मैं अगर वीडियो तुम बनाते हो तो वीडियो डायरेक्टली MI के कैमरे से वीडियो शूट करना, उसमें ज़्यादा स्टेबल मिलेगा वीडियो, इसका ज़्यादा स्टेबल नहीं है अभी तक। दोस्तों, इसका पोर्ट्रेट मोड सिर्फ वुमेन बॉडी पे ही काम करता है, और पोर्ट्रेट में तुम 10x तक जूम कर सकते हो जो कि पिछले वाले में 5x या 6x था, तो काफ़ी इम्प्रूव किया गया इसमें, और ये सिर्फ वुमेन बॉडी पे काम करेगा पोर्ट्रेट अच्छे से। ये पुराने वाला नाइट मोड है, इसमें कैसे ऑन करना है एस्ट्रो फोटोग्राफी वो उसको मैं बता दूंगा। लेंस ब्लर का ऑप्शन, ये कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा, इसमें अच्छे से ब्लर कर देता है। ऐसे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑन करने के लिए मोबाइल को ट्राईपोड पर रखना पड़ेगा क्योंकि, और इसमें 19 सेकेंड का टाइम लगता है, लगभग 19 सेकेंड टू 20 सेकेंड का टाइम लगता है, और स्टेबल रहेगा अगर मोबाइल तो ही अच्छे से ये अपना फ़ोटो खींच पाएगा, नहीं तो काफ़ी डिफरेंस आता है फ़ोटो में। मैंने यूज़ तो नहीं करके देखे, लेकिन अगर ट्राईपोड पे यूज़ करोगे तो अच्छे से पिक्चर क्लिक होएगा। और एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए फोकस को इन्फिनिटी पर रखना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी डिफरेंस मिलेगा पिक्चर में, पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसमें स्लो मोशन का भी ऑप्शन है, तो इसमें 1/8x तक का ही है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1/8 से ज़्यादा हो नहीं रहा है, और टाइम के साथ हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। और इसमें अगर स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हो तो इसमें ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होता है, मैंने ऐसा देखा है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो टाइम लैप्स का 10x 120x तक का ऑप्शन है, टाइम लैप्स में काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया। अगर अगर आप फ़ोटो ज़्यादा खींचते हो तो गूगल कैमरा बहुत अच्छा पिक्चर देता है, तो गूगल कैमरा मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और स्टॉक कैमरा उतना ज़्यादा पिक्चर नहीं देता, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टॉक कैमरा ज़्यादा अच्छा है MI का। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को।